आज गोकुल किचन में बनने वाली है दो तरह की बहुत ही स्पेशल चटाकेदार और बहुत ही स्पाइसी बिना नारियल के इडली और डोसे के लिए बहुत ही परफेक्ट चटनी बनने वाली है। आप ये चटनी बनाकर ज़रूर देखिए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर की बनकर रेडी हुई है, बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही स्पाइसी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद नहीं आई हो चटनी की, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी ये रेसिपी फ़ेल हो गई। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर करूँगी, तो आप ये ज़रूर बनाकर ट्राई करिए। और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो मैंने एक पैन लिया है, उसमें डाल दिया है तेल और डाल दिया मैंने एक चम्मच उड़द की दाल और एक चम्मच उसी चम्मच से मैंने एक चम्मच डाली चने की दाल और थोड़ा सा लिया है लहसुन और हरी मिर्च और लाल मिर्च। तो आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से तीखा एडजस्ट कर लीजिए और इसे हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, तो ताकि हल्के से खुशबू आने लगी, अच्छी स्मेल आने लगी, आपको लगे कि भुन गया है, तब तक हम इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं टमाटर। तो टमाटर को हमने ऐसे ही मोटे मोटे रफली चॉप कर लिया है, कट कर लिया है और इसे डाल दिया है। और एक मीडियम साइज़ का मैंने लिया है प्याज, तो मीडियम साइज़ का ही टमाटर और मीडियम साइज़ का ही मैंने प्याज यूज़ किया है। और इसे हमें अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है और नमक हम अभी नहीं डाल रहे हैं, नमक हम जब हम पीसेंगे ना तब हम डालेंगे इसमें। ये देखिए मैंने पूरी तरह से इसे ठंडा कर लिया है भूनने के बाद और अब मैं इसमें डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक और डाल दूँगी पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से डालिए, अगर आपको बहुत गाढ़ी रखनी है तो गाढ़ी पीस लीजिए, अगर आपको थोड़ी पतली रखनी है तो पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो मैंने बहुत पतला भी नहीं किया है और बहुत गाढ़ा भी नहीं किया है, मीडियम रखा है। और मैंने बघार देने के लिए थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें डाल दिया है छोटी वाली राई और कड़ी पत्ता और लाल मिर्च और बघार को हमने रेडी कर लिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी क्योंकि थोड़ी सी थिक लग रही थी चटनी और उसके ऊपर मैंने ये बघार डाल दिया है। और आपकी इडली और डोसे के लिए परफेक्ट गाढ़ी क्रीमी टेक्सचर का ये रेडी हो गया है आपकी चटनी। तो आपको ये चटनी ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार सच में रहेगा गाइस, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ नेक्स्ट काजू की चटनी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप काजू की बनाएं, आप काजू की जगह आप मूंगफली का यूज़ कर सकते हैं, मूंगफली का भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैंने उड़द की दाल ली है दो चम्मच और मैंने दो चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा काजू लिया है और लाल मिर्च ली है। तो आपको जितनी चटनी बनानी हो उस हिसाब से आप काजू या पीनट जो भी आप डालना चाहते हैं, मूंगफली आप डालकर और बना लीजिए। मैंने इसे भी ठंडा कर लिया है और डाल दिया है ग्राइंडिंग जार में और स्वाद अनुसार डाल दिया है नमक और पानी डाल दिया है। आपको जितना पतला और ठीक रखना हो उस हिसाब से आप पानी एडजस्ट कर लीजिए। और ये देखिए आपकी ये चटनी हो गई है रेडी और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। और मैंने वही बघार जो पहली चटनी में दिखाया था सेम वही बघार बनाकर मैंने इस चटनी में भी बनाया है और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये आपकी काजू की स्पेशल चटनी रेडी हो गई है। तो अगर आपने इसके पहले कभी काजू की चटनी नहीं बनाई है तो आप ज़रूर बनाइए। अगर काजू की नहीं बनाना चाहते तो आप उसकी जगह मूँगफली को डालकर और सेम उसी प्रोसेस से बनाकर रेडी कीजिए और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लजीज, बहुत ही स्वादिष्ट आपकी ये काजू की चटनी हो गई है रेडी। तो अगली बार जब आप कभी बनाते हैं डोसा, अगर सादा डोसा भी आप बना रहे हैं ना, तो ये चटनी के साथ खाकर देखिए, यकीन मानिए आप स्वाद नहीं भुला पाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी है। तो अब आप लोग बार बार तो ये बोलेंगे ही कि काजू की चटनी इतनी महंगी कौन बनाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप काजू की ही बनाएं, आप मूँगफली की बनाकर ट्राई कीजिए, थोड़ा बहुत टेस्ट का फ़र्क आएगा पर बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। फ्रेंड्स अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है ना तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर मेरी कोई रेसिपी बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए और मेरी केक की कोई भी रेसिपी अगर आप ट्राई करते हैं ना तो आप मुझे फ़ोटो सेंड ज़रूर कर दीजिए, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप वो केक की फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप कोई भी रेसिपी अगर मेरी कोई ट्राई करते हैं ना तो आप मुझे फ़ोटो ज़रूर सेंड कीजिए इंस्टाग्राम पे ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दिखा पाऊँ। तो ऐसे ईजी, यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए गोकुल किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।